आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चौहत्तरवां गणतंत्र दिवस पर मेड इन इंडिया तोपों से दी जाएगी सलामी, नजर आएंगे गरुड़ कमांडो। दिवंगत मुलायम सिंह को मरणोपरांत पद विभूषण, शिक्षा में राधाचरण गुप्ता और कला में अरविंद कुमार को मिला पद। नोएडा के नलगढ़ा गांव का आजादी से गहरा नाता, 6 साल भगत सिंह यहां पर रहे थे। जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाली सभी सुरंग तैयार, हिमालय रेलवे का 90% काम पूरा। प्रयागराज में पति पत्नी ने चोरी की थी दरोगा की पिस्टल, 21 जनवरी को कार से चुराई थी पिस्टल। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आप सभी को प्राइम टीवी की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। पूरे देश में आज 74वें गणतंत्र दिवस की धूम है। आज दिल्ली के ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर भारत की जीवंत सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक और सामाजिक प्रगति को दर्शाने वाली कुल 23 झांकियां औपचारिक परेड का हिस्सा होंगी। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में तिरंगा फहराया और मुंबई में इस अवसर पर मध्य रेलवे के महाप्रबंधन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही भुवनेश्वर में भी ओडिशा के राज्यपाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी मौजूद रहे। खबर संभल से है, जहां पर जनता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज सतुपुरा के छात्र छात्राओं ने मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैली निकाली। रैली में छात्र छात्राओं ने मतदान करने के लिए सभी मतदाताओं को जागरूक किया। वहीं असमोली में किसान इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ असमोली गांव में उप जिलाधिकारी रमेश बाबू, सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुनील कुमार सिंह और किसान इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हासिफ हुसैन ने रैली निकाली। साथ ही उप जिलाधिकारी ने मतदान कराने के लिए सभी छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई। आज 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जागरूकता अभियान के अंतर्गत यह रैली निकाली गई है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। छोटी छोटी बातें नहीं मालूम होती, वो भी इसी माध्यम से जानकारी दी जाती है। जी, बच्चों को सर शपथ भी दिलाई गई है, सर उसमें क्या बताया बच्चों गया? बच्चों को भी शपथ दिलाई गई और जो बड़े लोग हैं उनको भी शपथ दिलाई गई। हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, शपथ में जो बातें कही गई हैं उनका पालन किया जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। पूरे देश के साथ ही प्रयागराज में बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी के पर्व और संगम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस मौके पर गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी पर अलग ही छटा देखने को मिल रही है। ब्रह्मा मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हो गया था। संगम पर देश के कोने कोने से निकले श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। वहीं खराब मौसम होने के बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। तीन स्नान होते हैं, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, शिवरात्रि का। यह हमारे हिंदू सभ्यता में, हिंदू धर्म में यह तीनों स्नान की बहुत महत्ता है। हम लोग इसी महत्ता को देखते हुए आज बसंत पंचमी के दिन सुबह गंगा माँ संगम में स्नान किए हैं। जी, राम प्रकाश दुबे जी, और हमारा नाम बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसलिए आज का दिन विद्यार्थी गण के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोगों के लिए
या हर वर्ग के लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि के बगैर किसी को ही सद्बुद्धि नहीं आ सकती, एजुकेशन नहीं आ सकती। तो आज के दिन कलम दवात की पूजा का भी रिवाज है, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सरस्वती को पीले वस्त्र बहुत पसंद है, इसलिए आज उनको पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, फल फूल पीले चढ़ाए जाते हैं, पीले रंग के चावल भी बनाए जाते हैं। आज के दिन पवित्र नदी में स्नान का विशेष महत्व है। संबल के रॉयल प्लेस में रालौद के कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय महामंत्री ने किया। इस कार्यक्रम में काफी तादाद में किसानों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि रालौद के नेतृत्व में लगातार किसान योगी सरकार को अपनी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए पत्र भेज रहे हैं। वहीं आवारा पशुओं से निजात दिलाना, गन्ना भुगतान कराना और गन्ने की रेट देना, ये सभी समस्याओं को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द उनकी मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो यह आंदोलन अलग अंदाज में किया जाएगा। आज जो है 3 महीने से ज्यादा हो गए गन्ना का रेट तय करे, और करोड़ों रुपए हर मिल पे करोड़ों रुपए बकाया, ना तो किसान का पेमेंट हो रहा है ना रेट ही निर्धारित हो रहा है। ये इतना लंबा पहली दफा हुआ देश के इतिहास में। यहाँ अब जब रेट ही नहीं तय होगा, हम फसल डाल लें वो कल को 300 रुपए लिख दो, 500 लिख दो, मजबूर है किसान। किसान की मजबूरी है, वो अपनी फसल को नहीं रोक सकता। तो ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय जयंत चौधरी जी ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जागरूकता अभियान के अंतर्गत ये रैली निकाली गई है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। छोटी छोटी बातें नहीं मालूम होती, वो भी इसी माध्यम से जानकारी दी जाती है। जी, बच्चों को सर शपथ भी दिलाई गई है, सर उसमें क्या बताया बच्चों गया? बच्चों को भी शपथ दिलाई गई और जो बड़े लोग हैं उनको भी शपथ दिलाई गई। हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, शपथ में जो बातें कही गई हैं उनका पालन किया जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। विपक्ष की भूमिका ये रहती है कि सरकार को समय समय पर आईना दिखाती रहे। हमारा काम आईना दिखाने का, अपनी मांग रखने का है, किसानों के लिए बोलने का है। जो भी ऊपर का निर्देश आएगा केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय चौधरी साहब का, उस पर काम करने का है। हमारा ये तय करने का नहीं है। देखिए, किसान आज आत्महत्या के कगार पर है, किसान आज परेशान है। और किसान, अब मुझे वो शब्द याद है आदरणीय चौधरी चरण सिंह के ज़माने में, और कहा था जब आप प्रधानमंत्री थे, कि किसी भी देश की खुशहाली का रास्ता किसानों की पगडंडी सर खेत पर उनकी गांव से होकर के निकलता है। आज अगर देश में इनकी बात नहीं सुनी जाती, इसका मतलब उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में एक शख्स ने रेलवे स्टेशन पर बम फिट करने की झूठी सूचना दी। घंटों बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि वो मानसिक रूप से तंग आ चुका है और जेल जाना चाहता था, इसलिए फर्जी सूचना दी। पुलिस ने बताया कि हरसित पर जनपद इटावा में एक अपहरण का केस भी दर्ज है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बम रख दिया है। उक्त सूचना पर थाना कोतवाली द्वारा तत्काल ही BDDS टीम तथा डॉग स्क्वाड टीम की मदद से सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, परंतु कोई भी आपत्तिजनक अथवा संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हो सकी। इस पर कॉलर को हिरासत में लिया गया। कॉलर ने पूछताछ में अपना नाम हर्षित दीक्षित बताया। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।